कहते थे कि बच्चे होने के बाद मियां बीवी कितना अरसे के बाद आपस में मिल सकते हैं? मेरा भाई, जब खून निफास का बंद हो जाए। ये जो हमारे मुल्क में मसला है ना, चिल्ला चिल्ला चलीस दिन चलीस, ये बिल्कुल जाहिल वाली बात है। अगर औरत का विलादत के बाद दो दिन में भी खून बंद हो जाए, साफ हो जाए, पाक है, नमाज पढ़े, खावन से मिले, जो कुछ मर्जी है करे, वो 40 दिन का मसला ये है कि अगर खून आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रुकता नहीं है, अब 40 दिन तक देखेंगे। 40 दिन के बाद भी नहीं रुका तो बीमारी इस्तेहादा है, फिर भी वो नमाज पढ़ेगी, गुस्ल करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अगर खून बंद हो जाए, आजकल तो जदीद टेक्निक है ना विलादत की, वो फौरन इंजेक्शन दे देते हैं और दो दिन के अंदर पाक हो जाती, पाक हो जाए तो बस पाक हो गई। दाढ़ी में दाने होने की वजह से दाढ़ी कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं? दाढ़ी की वजह से दाने नहीं होते, दाढ़ी कटाने की वजह से हो सकते हैं। तवाफ़े विदा का मकसद ये होता है कि आखिरी काम तवाफ हो, लेकिन अगर पहले भी कर ले तो हो जाएगा। अगर किसी आदमी का पेशाब हरम में निकल जाए, मजबूर है, खुशी से कौन करता है, कोई गुनाह नहीं। हजूर के सामने एक बदवी ने आके पेशाब किया, सहाबा दौड़े, हजूर मामा कुछ ना कहो, करने दो पेशाब उसको, मस्जिद तो धुल जाएगी, लेकिन अगर भगाओगे तो सारी मस्जिद गंदी हो जाएगी। मैंने मुज़दलिफा में तहज्जुद भी पढ़ी, अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हर्ज नहीं। कहती हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी ने एक बुढ़िया का बेड़ा 12 साल के बाद दरिया से निकाला था, तुम उस बेड़े में थे? हाँ जी। अच्छा, तुम्हें बुढ़िया का नाम आता है? वो भी ऐसी बदबख्त बुढ़िया थी कि सारे डूब गए, वो बच गई। वो गई हजरत के बाद की जनाब, हमारी बारात आ रही थी, वो डूब गई है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का फैसला है। उन्होंने कहा मैं आपके पास आई हूं, आप अल्लाह की बात करते हैं। तो पीर साहब भी जोश में आ गए और उन्होंने बेड़ा निकाल दिया। ये 101% झूठ है, ना बेड़ा गर्क हुआ, ना हजरत ने बेड़ा निकाला, ये मौलवी उन्हें 11वीं का दूध पीने के लिए मसला बनाया है।